कल्याणी चिल्ला क्यों रही हो? डरा दिया मुझे। अरे आपने मुझे डरा दिया? मैंने तुम्हें डरा दिया? ऐसा हो सकता है कभी? अरे वैसे आप ये चादर के अंदर क्या कर रहे हैं? अब आधी रात को चादर के वो कुछ नहीं, मैं जरा वो ये क्या है? ये क्या दिखाई? नहीं छोड़ो कल्याणी, दिखाइए। प्रेत आत्माओं का नाश। मल्हार जी आप ये सब कब से पढ़ने लग गए? आप तो विश्वास ही नहीं करते थे ना इन सब चीजों में। अब भी नहीं है विश्वास कल्याणी, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। और बस मैं चाहता हूं कि इतना से तुम्हारे अंदर से उस संपदा की आत्मा चली जाए। दर्द तो मुझसे आपका नहीं देखा जा रहा है मल्हार जी, आप तो हमेशा से इतने प्रैक्टिकल इंसान थे, और अब देखें मेरी वजह से जान बूझ कर इस अंधविश्वास की राह पर चलना पड़ रहा है आपको। बस जल्दी से ये नाटक खत्म करना है मुझे। तुम ये सब छोड़ो ना, मैंने देखो पता है इंटरनेट पे कुछ सीखा है, आओ आओ तुम्हें भी सिखाता हूँ, आ जाओ। कोई मुझको ये बताए क्यों ये दूरी और मजबूरी, इस दुनिया की क्या स्टोरी, किसके हाथ में इसकी डोरी, हाइट में बिल्डिंग आसमानों को छूरी, लेफ्ट में बच्ची भूखी सड़कों पे सोरी, कैसी ये मजबूरी, पैसा रहना है जरूरी, नहीं तो कैसे होगी पूरी तेरी सीना जोरी, लंबी गाड़ी जितनी किसी खोली, आए चावल की खाली बोरी, एक पैसों से भरी पूरी, कैसी ये मजबूरी। वाह मल्हार जी इतना बदलाव आपके अंदर, वरना मुझे याद है पहले तो आप ऐसे गाने सुनते ही नहीं थे, कहते थे कि न जाने आजकल की जनरेशन के कैसे फास्ट गाने, कुछ समझ में नहीं आता। न सुर न ताल, पता नहीं आजकल के गानों में क्या दिखाते हैं तुम्हारे जनरेशन के लोगों को। हाँ कल्याणी देखो ना, अब वो क्या है ना कि मैं इन गानों की गहराई समझने लगा हूँ। फटी जींस देखकर मेरा दिल लबजब करता है, तेरी फटी जींस देखकर मेरा दिल लबजब करता है। वैसे ये वाले गाने के लिरिक्स ना मुझे भी बहुत पसंद है। ये गाना पसंद है तुम्हें? लेकिन फिलहाल कुछ और सुनने का मूड है मेरा। ये गाना पसंद है तुम्हें? हाँ, ये गाने में भले ही क्लब में डांस नहीं हो सकता, लेकिन ये गाना सुनकर ना दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। संपदा का मैसेज, घर से जो अथर्व की मदद कर रहा है वो आओ साहब है? आज जिस फोन को अथर्व की गाड़ी में देखा वो उन्हीं का था क्या? तू रात को मिल मेरे को वर्कशॉप के बाहर, मैं वहीं पे सब कुछ बताता है। मैंने कुछ जरूरी बात करनी है तेरे से, और याद रख किसी को भी तेरे पे शक नहीं होना चाहिए, समझ ला? हर तरफ सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत। एक तरफ तो मेरे को ये सोचना है कि उस येड़ी अम्मी को जेल से बाहर कैसे रखूं, और दूसरी तरफ वो कल्याणी वो लॉकेट पहनकर बैठी। अगर ये सच है कि उस लॉकेट की वजह से संपदा की आत्मा कल्याणी के अंदर नहीं जा सकती, तो फिर संपदा मल्हार को मारेगी कैसे? तेरे को मेरा एक काम करना है, उस लॉकेट को कुछ भी करके कल्याणी के गले से निकालना है। पिल्लू, अरे पिल्लू, तू भी ना, पिल्लू रुक 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 रुक, बैठ जा, बैठ जा, बहुत परेशान करने लगा है तू आजकल, चल थोड़ा सा बचाए खत्म कर। नहीं आ पाए, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है। पिल्लू पर ये कल्याणी, तुमने नाश्ता किया? करती हूँ आओ साहब। आओ साहब अथर्व की मदद क्यों करेंगी? माना कि एक वक्त पर वो मल्हार जी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस बात को तो काफी वक्त हो चुका है। अच्छा आईफाई, अब मैं जा रहा हूँ।
आज हमारी गली का ना वर्ल्ड कप है। अरे पानी तो पी ले, मैं पानी लेकर। मैं पी लूंगा। संभाल के। ताई, पुलिस वाले आए। आपको पता चला ना, अवनी तो अब गई। उसने आई और काका के साथ जो किया, उसके लिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हम ताई, अब जूस तो पी लीजिए। सॉरी ताई, I'm sorry ताई। कोई बात नहीं। अरे देवा, पूरी साड़ी खराब हो गई तुम्हारी। जा, जल्दी जाकर साड़ी बदल दो। और ये लॉकेट हमें दो, हम साफ करके मंदिर में रख देंगे। दो। लेकिन हाउस साहब। अरे जब साड़ी बदल कर आओगी ना, तो वापस लॉकेट पहन लेना। हा? इतनी देर क्यों लग रही है? पवार, हुआ क्या है? पाटिल भाई किधर है? छोड़ो। अगर छोड़ो मुझे, छोड़ छोड़ छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे काट लूंगी। सुकुपी नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम लोगों ने क्या मेरा मजाक बना के रखा हुआ है? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे गिरफ्तार करवाओगे और मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी? सब नहीं होगा, बहुत खतरनाक हूँ मैं। क्या पाटिल भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पता नहीं साहब, मैं इसे लेने अंदर कमरे में गई तो ये ऐसी पागलों जैसी बर्ताव कर रही थी। ये नया नाटक है अब इसका। मल्हार जी। हेलो। ये क्या हो रहा है इसे? देखो नया ड्रामा। बहुत मुश्किल से इसके हाथ पर बांध के लाई हूँ, पूरी पागल हो गई है। एक बात बताओ, एक एक को खत्म कर दूंगी, कोई नहीं बचेगा, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अरे थामा थामा हवलदार साहिबा, थामा। अरे भाई साहब, ये नहीं मैं तेरी मदद करने के लिए आया। वकील साहब ये देखिए, ये एक पागल मरीज को कैसे अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, ये सही है क्या? हवलदार साहिब, ये इंटेंस लुक क्यों? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, एक सेकंड। वकील साहब, इतना कानून तो तुम लोग जानते ही होगे कि ऐसी दिमागी हालत में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या लग रहा था? हम जानते नहीं है कि ये सब तुम्हारी एक चाल है? वकील साहब, वकील साहब ये सब नाटक कर रही है। इसने खुद ने अपना जुर्म कबूल किया है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है। अरे वो जो भी हो, लेकिन जब तक मरीज की दिमागी हालत ठीक ना हो, उसको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता ना। तो कराओ इलाज इसका, कराओ, तब पता चल जाएगा कि ये एक्टिंग कर रही है या सच में पागल हो गई। आएगा। ये सब तेरा किया था ना? पर पाटिल भाई, आप जब अपनी नजर बंद थी और उसका फोन ले लिया गया था, जब था, तो इस सारा प्लान इसको कैसे पता चला? पता नहीं साहब, मैं तो रात भर पहरेदारी कर रही थी। पहरेदारी कर रही थी। ये तो गहरी नींद में सो रही है। अवनी तक ये चिट्ठी पहुंचाने का यही मौका है। लगा लो, जितने इल्जाम लगाने हैं आप सब लगा लो मेरे पर, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैं निर्दोष है। अरे मुझे मुझे फिक्र है अवनी की। अब तो अवनी का इलाज इसी घर में होगा। हवलदार, ध्यान से पढ़ो, कोर्ट ऑर्डर में भी यही लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो। और काका, जब तक ये इलाज चल रहा है ना, आपको अपनी पत्नी का खास ध्यान रखना होगा। मैं अवनी का ध्यान क्यों रखूंगा? मेरा पास चले तो इसकी जान ले लो। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक अपनी पत्नी का ख्याल रखिए। और मैं सबसे पहले जान लूंगी इसकी। ये जो लंबू है ना, इसकी घुड़दंड बो दूंगी इसकी।
काम हो गया है। कल्याणी के गले से वो लॉकेट उतर गया है। मैंने सोचा नहीं था कि इस घर में रहने वाले किसी से इतनी मदद मिलेगी मेरे को। मल्हार जी पुलिस स्टेशन गए हैं, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने चली आई। देखो ना संपदा, अथर्व ने क्या चाल चली है ना। अब जब तक मेडिकली ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि अवनी की दिमागी हालत ठीक है, हम उसे जेल नहीं भेज सकते। मैं क्या जानती नहीं हूँ क्या कि वो कितना चलाक और खतरनाक है। लेकिन लेकिन तुम चिंता मत करो, माई और काका बाहर है और जब तक केस पर काम कर रहे हैं हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आओ साहब, तुमने उन पर नजर रखी है ना। तुम्हें पता है संपदा, आज आओ साहब ने जान पूछ कर मुझ पे जूस गिराया ताकि वो मेरे गले से लॉकेट निकाल सके। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आओ साहब को भी यही लगता है कि जब तक वो लॉकेट मेरे गले में रहेगा तब तक संपदा की आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसीलिए उन्होंने वो लॉकेट मेरे गले से निकाला। इसका मतलब हमारा शक सही था, आओ साहब भी हैं जो अथर्व की मदद कर रही हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर आओ साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उन्हें अथर्व की मदद करनी पड़ी। कर क्या रहे हैं हम, बाहर अपनी नाटक कर रही है पागलपन का और हम यहाँ बैठकर ये सब कुछ नहीं कर रहे। गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझसे बेहतर वकील आप है ना, तो आप भी जानते हैं। प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो अपनी हमारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल कर सके। फिलहाल तो हमें डॉक्टर की ही मदद लेनी पड़ेगी जिससे ये साबित होगा कि अवनी ये पागलपन का नाटक कर रही है। लेकिन आप प्लीज प्लीज कुछ भी मत कीजिए, शांत रहिए। पेपर्स, इतने सारे पेपर्स, इनका तो मैं प्लेन बनाऊंगी। अवनी वो काम के, अवनी इसका प्लेन बनाऊंगी। अवनी नहीं, अवनी इन सब का कुछ ना कुछ बनाऊंगी। भाभी है तो अच्छी वाली मम्मा। इसकी मैं बोट बनाऊंगी और इसका मैं प्लेन बनाऊंगी। छोड़ो ये पेपर्स, ये पेपर्स जरूरी है। सुनने वाले पापा डांटो मत ना, ये दो ना। ये नाटक पागलपन का दुनिया के सामने चलेगा, हमारे सामने नहीं। दे दो दे दो दे दो। छोड़ो मुझे, दे दो। अरे आप पागल हो गया। दादो मत, अच्छा ठीक है, काम करो, मेरी तो पोनी बना दो, मुझे स्कूल जाना। अब नहीं उठो वरना मैं तुम्हें धक्का दे के उठाऊंगा। नहीं उठो अभी। आ जाओ मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ। काम इंच? हाँ हाँ चलो चोटी बनाती हूँ। आ जाओ चलो मम्मा चोटी बनाते हैं। और तू पोनी मत बनाना, वन पोनी बनाना ही गंदे वाले पापा की। अनुप्रिया तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। शादी करो। आइडिया का लाया था अपने, पागलपन का नाटक करके मैं पूरा दिन इन दोनों पे नजर रख सकती हूँ। मान गया था, चलो अच्छा ही है, कम से कम ये तो पता चलेगा ये दोनों अथर्व के खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं। अब आओ सर, जरा अपना फोन दीजिए ना प्लीज, वो प्लम्बर का नंबर लेना है, हमारे रूम में लीकेज हो रहा है इसलिए। हाँ ये लो। क्यों आओ साहब, अरे कितनी खुश थी मैं कि आखिरकार आप हमारे साथ हो गई हैं। लेकिन आप ऐसे हमें अथर्व की मदद करेंगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने। अच्छा हुआ याद आया, ये रहा तुम्हारा लॉकेट।
उसका हुक खराब हो गया था तो हम ठीक करवा के लाए। अब हमेशा इसे अपने गले में ही रखना, यही संपदा से तुम्हारी रक्षा करेगा, समझे ना? अगर आओ साहेब अथर्व की मदद कर रही है तो वो मेरी रक्षा करने के लिए मुझे ये लॉकेट क्यों दे रही है? हम पहना देते। कहीं संपदा को तो कोई गलत फहमी नहीं हो गई? थैंक यू सर। अरे गोदावरी, यहाँ ये लो तुम्हारा फोन। हमारा फोन अब ठीक हो गया है, अब चार्जिंग भी एकदम बराबर हो रही है। अच्छा हुआ कल रात तुमने अपना फोन हमें दे दिया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। मुझे लगता है कि हमारा शक ना गलत था संपदा, क्योंकि आओ साहब ने ना मुझे लॉकेट वापस दे दिया है। अगर आओ साहब अथर से मिली होती, उसकी मदद कर रही होती, तो फिर आओ साहब मुझे ये लॉकेट वापस क्यों देती मेरी रक्षा करने के लिए? तो फिर वो फोन जो मुझे अथर्व के गाड़ी में मिला था वो आओ साहब के पास कैसे आया? और अगर आओ साहब अथर्व की मदद नहीं कर रही है तो घर का ऐसा कौन सा सदस्य है जो अथर्व की मदद कर रहा है? पता नहीं, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, पर कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। तू बुरा क्यों फील कर रही है गोदा? अरे तेरे को ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, कल्याणी और मलार तेरी नफरत के ही लायक हैं। अरे यही लोग हैं जिनकी वजह से आज तेरे बाबा जेल में सजा काट रहे हैं, उन्हीं की वजह से तेरे भाई नल की मौत हुई थी। अरे इन्हीं की वजह से तेरी आई तेरी बहन पल्लवी डिप्रेशन में आकर तुझसे दूर मुंबई चली गई। इन लोगों ने तेरे को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दिया है रे। तू सोच, तेरे को पॉकेट मनी तक नहीं देते थे ये लोग, और अगर आज तेरा मामा अथर्व नहीं आया होता तो ये लोग तो तुझे कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर देते। तुम देख गोदा, मैंने तुम्हें जितने पैसे मांगे उतने दिए तेरे को, और परिवार ऐसा ही होता है रे। पर इस तरफ ये लोग पूरे दिन सिर्फ कल्याणी 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 करते रहते हैं। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है तेरी, आओ साहेब को भी नहीं। आओ साहेब को भी तेरी कोई चिंता नहीं है गोदा, कोई। लेकिन कोई तो है ना जो उसकी मदद कर रहा है। क्यों, तुम्हें अथर्व ने तो कहा था ना कि वो तुम्हें बताने वाला था जो उसकी मदद कर रहा है घर में से। हाँ। और संपदा, उस दिन के प्लान को पूरा करने का वक्त आ गया है। आज कुछ भी करके मैं अथर्व से सारी सच्चाई उगलवा के रहूंगी। अच्छा गोदा, तूने कल्याणी का लॉकेट फेंक दिया था ना? मामा वो तो मैं नहीं कर पाई, कल्याणी ताई की साड़ी पर मैंने जूस गिरा दिया था, लेकिन आओ साहब ने वो लॉकेट अपने पास रख लिया, बोला कि वो साफ करके मंदिर में रख देगी, लेकिन जब मैं मंदिर गई तो वो लॉकेट नहीं था वहाँ पर। यानी कि कल्याणी ने वो लॉकेट फिर से पहन लिया होगा, है ना? वो लॉकेट उसके बाद कल्याणी ताई ने नहीं पहना। तो फिर वो लॉकेट गया कहाँ? चलो अच्छा है, क्योंकि इस लॉकेट के बिना संपदा की आत्मा के लिए बहुत आसान हो जाएगा कल्याणी के शरीर में वापस जाना। अब बस संपदा से बात करके ये पता करना है कि उसका प्लान क्या है मलार को मारने का। चल ठीक है, तू जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ गौतम, वो दवाई जो तू कल्याणी को दे रही है वो उसे मिलती रहनी चाहिए, ताकि वो इसी डिप्रेशन में रहे कि उसे बच्चे हो ही नहीं सकते। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक संपदा की आत्मा के लिए बहुत आसान हो जाएगा कल्याणी के शरीर में जाना। लेकिन मामा, वो दवाई का पैकेट खत्म हो गया है।
है तो ये ले और पैकेट खरीद ले। लेकिन दवाई रुकनी नहीं चाहिए। गोदा किसकी गाड़ी से उतरी? कहाँ चली गई? परेशान लग रही थी। गोदा किसी मुसीबत में नहीं है ना?